पूरे कंट्री में कि ये फोटोजेनिक नहीं है। गलती से भी अगर आप बांगी में ये सब कुछ करते पाए गए तो इवन आर्मी की गाड़ी ऑन द स्पॉट आपको शूट कर सकते हैं या तो अरेस्ट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं हूं वंश एंड यू वॉचिंग लिट्स फ्रॉम इंडिया जर्नी इन अफ्रीका फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल बांगी। लास्ट का वीडियो अगर आपने देखा गाइज कि मैं बांगी जो कि इनका कैपिटल है वहाँ पे आ गया हूँ यार। और आते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन इस कंट्री का मुझे देखने को मिला ना कि जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ सिर्फ रोड क्रॉस करने की कोशिश किया हूँ तभी 2 से 3 बंदे मुझे मेरे जेब की ओर इशारा करते हुए मेरे पास आने की कोशिश करते हैं और फाइनली मैं जल्दी से वहाँ भागने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से बोलो कि वो रॉबरी अटेम्प्ट उनका करने का एक प्रयास था जिसको मैंने अवॉइड किया किसी तरीके से। तो लोकल लोगों ने भी मुझे बोला यार कि डे टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ट्रैवल करना, तो जिसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जब से यहाँ आया हूँ यार पावर कट, लाइट हद से ज़्यादा यहाँ पे कट रही है। जैसे इंडिया में पहले नहीं होता था कि दिन के 7 दिन सुबह कभी फिर 7 दिन रात, ऐसे सिस्टम अभी यहाँ पे भी है कि स्पेसिफिक टाइम पे लाइट आती है और फिर कट जाती है। पानी का भी इशू है, बीच बीच में पानी भी कट जा रहा है यार, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। सो गाइस ये रही इनकी लोकल करेंसी, 500 की नोट है यानी सीएफआ और सेंशा इसको फ्रेंच में बोलते हैं। इंडियन करेंसी को इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो 100 CFA इक्वल टू 12.43 INR। ये वही जो बाकी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैं यूज़ करते आया हूँ वो यहाँ भी यूज़ आप कर सकते हो। तो बार बार आपको पैसे एक्सचेंज कराने के लिए झंझट नहीं होगा, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी अपने को। और शॉक में आप शायद होगे कि यहाँ पे बिटकॉइन भी ऑफिशियल करेंसी है इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री का। आप सोचो देश इतना गरीब फिर भी बिटकॉइन यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है। बाकी यार कंट्री का जो डायल कोड है वो +236। एरिया अगर पूरे इस कंट्री का देखोगे तो 6,23,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश। पॉपुलेशन 6 मिलियन पॉपुलेशन होल्ड करता है और जिसमें से 70+ एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इनकी है वो है सांगो और फ्रेंच, और लोकल डायलॉग 80+ लोकल डायलॉग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो लोकल लोग यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइम जोन इंडिया से अगर आप देखोगे तो 4.5 घंटे इंडिया पीछे है इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, क्योंकि यहाँ पे UTC+1 यानी वेस्ट अफ्रीकन टाइम या सेंट्रल अफ्रीकन टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन। पॉपुलेशन जो इनकी पूरी 6 मिलियन है उसमें से 50% लोग यहाँ पे, 5% लोग इंडिजीनियस कैटेगरी में माने जाते हैं और बचे 15% लोग मुस्लिम कैटेगरी में है। बट अभी काफ़ी रिसेंट ईयर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा बढ़ रहा है, खासकर चाड और नाइजीरिया कंट्री से। बिल्कुल भी इंटरनेट की आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 2G 3G सर्विस पे पूरा का पूरा सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक काम कर रहा है। देखने को आपको यहाँ पे 4 अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर यानी सिम कार्ड मिलेगा, बट उसमें से आई थिंक ऑरेंज एंड टेलीसेल करके आप मोस्टली लोकल लोगों को यूज़ करते देखोगे। इंटरनेट का क्या हाल है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। 2 घंटे से मैं ट्राई कर रहा था कि एक वीडियो अपलोड करूँ और उसको पोस्ट करूँ। अपलोड करने के बाद आप छोड़ो, मैं पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें भी व्हाट्सअप कॉल तक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जी उन्होंने बोला हुआ है वो भी अच्छे तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, 4G तो आप भूल जाइए। मैंने लिया था यार ऑरेंज का सिम कार्ड, थोड़ा बहुत वो स्पीड उसकी ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वाईफाई कनेक्ट करने का, वाईफाई का भी काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस पूरे कंट्री में कि ये फोटोजेनिक नहीं है, यानी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए आपको स्पेशल लोकल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। गलती से भी अगर आप बांगी में ये सब कुछ करते पाए गए तो इवन आर्मी की गाड़ीज़ और मिलिट्री चेक पोस्ट जहाँ पे हैं उसको अगर आपने रिकॉर्ड किया ना यार तो वो ऑन द स्पॉट आपको शूट कर सकते हैं या तो अरेस्ट कर लेंगे। मैं लोकल्स हों कोई भी अगर गलती से फ़ोटो वगैरह क्लिक करता है और उन्हें आर्मी देखती है तो पूरी की पूरी बटालियन भाई घुस के घर में आपको उठा लेती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लोकल गैंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे रॉबरी के लिए, किडनैपिंग के लिए, क्योंकि रिबेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम है। काफ़ी ट्रैप आपको क्रिएट किया जाएगा फंसाने के लिए इन कंट्रीज़ में। जब भी आप ट्रैवल करो खासकर ड्रिंक वगैरह जब भी आप करने जाओ नाइट क्लब पब क्लब में तो काफ़ी होशियार रहिए, कई लड़कियां आपको अप्रोच करेंगी और आपको लगेगा कि यार सब कुछ सही जा रहा है, बट वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ इन्वॉल्व होके, लोकल गैंग्स के साथ इन्वॉल्व होके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा अभी तक का यार एक्सपीरियंस रहा है। आया हूँ, बारिश हो रही है, उमस काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी यार। मतलब कैमरून का याउंडे थोड़ा सा ठंडा था
द्वाला भी लोगों ने बोला कि काफ़ी गर्म है, बट यहाँ जब बांगी पूरे रोड पे, जबकि है ये रेन फॉरेस्ट एरिया में आता है पूरा का पूरा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और क्लाइमेट आप देखो बादल के नज़ारे, आपको काफ़ी बारिश का मौसम, ठंडा मौसम ऐसा लग रहा है बट एक्चुअल में है गर्मी। सो गाइज अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ बांगी का जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव या इंटेंस एरिया, जो यहाँ के लोकल लोग ऐसा बोलते हैं, जिसको बोला जाता है PK5। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो सबसे इंटेंस लोकल क्राउड आपको देखने को मिलेगा वो इसी एरिया में मिलेगा, और मुस्लिम क्राउड भी ज़्यादा है। और एक चीज़ और, क्योंकि ये चार्ड कंट्री के नेबर बॉर्डर को शेयर करता है, और नाइजर भी, जिसमें थोड़ा सा आपको टच मिलेगा, नाइजेरिया का पार्ट भी है, कैमरून का जो नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ पार्ट है वो, उसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब यहाँ पे रहते हैं। और कई बार जैसे राइड्स हुआ या दंगे हुए या लोकल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मोस्टली इस एरिया में ज़्यादा होता है, जिससे UN की गाड़ी यहाँ पे कंटिन्यू हर जगह, सोल्जर, आर्मी, मिलिट्री, ये सब यहाँ पे चेक पोस्ट पे तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो क्राउड है, टिपिकल लोकल क्राउड, वो मोस्टली यहीं पे है, तो इस वजह से रश आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आप सोचो, आज वैसे छुट्टी है इनकी ऑफिशियल, बट अभी भी मैं रोड पे जो चहल पहल देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ये देखिए इधर सब टाइल्स, हार्डवेयर, इस तरह की शॉप है मोस्टली यहाँ पे। इस क्राउड आप यहाँ पे देखो, हद से ज्यादा भीड़ है चारों तरफ, आप रश देखिए गाइस, चारों तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामने सिर्फ लोग आपको दिखेंगे, वो भी खरीदारी करते हुए। अब आप सोचो, आप बोलते हो कि ये गरीब देश है, किस बात का गरीब, आप सोचो लोग फिर भी डेली यूटेंसियल, डेली लाइफस्टाइल के लिए जो भी उन्हें रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली चीजें चाहिए वो हर दिन यहाँ पे खरीदा जाता है। गाइस देखिए, नो डाउट सेंसिटिवनेस जो होती है ना, वो इस कंट्री में ट्रैवल करते वक्त आपको जरूर फील होगी, बट यार इसका पॉजिटिव साइड ये है कि धीरे धीरे कंट्री में स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश इनके गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। गाइज जो मैंने देखा कि पूरे रोड पे जब आप ट्रैवल करोगे ना बांगी के अंदर, तो हर जगह आपको UN की गाड़ियाँ ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगी, और मोस्टली UN में जो काम करने वाले लोग मैंने यहाँ पे नोटिस किया, उसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इजिप्ट, इन सब की आर्मी, इवन नेपाली आर्मी भी इंक्लूडेड है, जो यहाँ पे पेट्रोलिंग करते वक्त हर जगह आपको दिखेंगे, मिसाइलें, गन मशीन, AK-47, मतलब ये सब तो कॉमन है, ऐसा यहाँ पे रोड पे आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी UN वाले आपको यहाँ पे दिखेंगे, वो बेसिकली उनका काम है यार यहाँ पे एक स्टेबिलिटी को बनाए रखना, इस वजह से आप बोल सकते हो कि 100% टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री सेफ नहीं है, ना ही आप वॉक कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है और नॉट रिकमेंडेड है, ऐसा लोगों ने बोला हुआ, जो शायद मैं भी यहाँ पे फील कर रहा हूँ और आपको भी मैं मना ही करूँगा गाइस। सो गाइस ये रहा मातिनी एरिया, और सामने इनका मेन नेशनल स्टेडियम आप बोल सकते हो। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी सारी यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल सारी होस्ट होती है अभी भी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, उनका ये ऑफिशियल रेजिडेंशियल एरिया है। अब ये आप गाइस देखिए, कितने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, मोस्टली कैमरून, गेबॉन में मैंने देखा था ये लकड़ी कटते हुए, यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी आपको दिखेगा। गेबॉन क्योंकि सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट एरिया है, आप सबको पता है, तो वहाँ पे चाइनीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में, बट आई थिंक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे वो लेबानीज। ये जो सामने रोड आप देख रहे हो, ये सीधे अगर आप फ्रंट पर चले जाते हो तो सीधे आप एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर निकल जाओगे। मेरा यहाँ का ट्रेडेक्स फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल डीजल की भी काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, जो अभी कैमरून में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाइजीरिया साइड से यार प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फ्यूल नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली यहाँ पे जो भी कंटेनर आते हैं, क्योंकि कैमरून के द्वाला जो पोर्ट है उनका वहाँ से आता है, तो फ्यूल प्राइस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा कैमरून और इस सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीकन में। ये रहा टोटल का फिलिंग स्टेशन, टोटल यार हर जगह आपको मिलेगा।
Lita. Lita. Lita de Santa Fe. Lita and the government. Import, import, export. The Minister de Transport. The Hotel Leisure. So guys, ye raha Hotel Leisure. इस बंगी कंट्री का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस्ट होटल की कैटेगरी में आता है और जितने भी डिप्लोमेट्स ये प्रेसिडेंशियल या मिनिस्ट्रीज के लोग होते हैं या कोई भी बिजनेसमैन बंदा वो आके यहीं पे रुकता है। यहाँ पे क्लब भी है, नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर है। रूम का जो कॉस्ट पड़ेगा यहाँ पे 200 to $300 पर नाइट पर पर्सन चार्ज लगता है। यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज काफ़ी सेफ है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग रुकते हैं। एक तरह से इस बंगी का ताज या ओबेराय होटल बोल सकते हो अगर इंडिया के हिसाब से आप सोचो। और ये रहा उसका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए सामने रहा मेन एंट्री, एंट्री पॉइंट यानी एंट्रेस। सामने ये देखिए क्लब वाला एरिया रहा, ये पुलिस वैन भी खड़ी है, पार्किंग एरिया। ये देखिए लेजर होटल्स एंड रिजॉर्ट प्लाजा बांगी। पूरा बांगी शहर अगर आप देखोगे चारों तरफ आपको हिल नजर आएगा, उसके बीचों बीच में बसा है। ये रहा इनका पावर ग्रिड स्टेशन। वर्किंग आवर्स अगर यहाँ बांगी का जो मैंने ऑब्जर्व किया, सुबह 7:30 बजे से लेके 7:30 या 8, मैक्स टू मैक्स 5 PM तक बिजनेस आवर्स बंद हो जाता है, जहाँ पे लोकल लोग स्पेशली यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे जो भी इनका वर्किंग प्लेस होता है। ये रहा गाइस बांगी मॉल, ये लेबानीज का है। और ये रहा यार पीमा सुपरमार्केट, ये भी लेबानीज का ही है। अब ये थोड़े से कॉमर्शियल प्लेसेस इस पूरे शहर। का एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हॉट स्पॉट या आउटिंग के लिए पॉपुलर प्लेस है, हैंग आउट प्लेस आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैट्स भी आके इन्जॉय करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो प्लेस हम बैठे हुए हैं, ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा, यहाँ से ये देखिए जिसको बोला जाता है ये उबांगी रिवर, पूरा सामने जो आपको दिख रहा है ये है DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का शहर जिसको बोलते हैं जोंगो। पूरा पूरा जितना आप देख रहे हो ना, ये माउंटेन एरिया सामने शहर। तो मोस्टली लोग आप देखोगे कि फ़िशिंग वगैरह जो लोकल लोग हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़िशिंग करते नज़र आएंगे। बाकी अगर आपके पास वीज़ा है DRC का और बांगी का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो आप इस रिवर को यूज़ करते हुए क्रॉस करके जोंगो से यहाँ आ सकते हो। कई लोगों ने ऐसा बोला कि जोंगो के लोग यहाँ पे कभी कभी वीकेंड मनाने आते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। ये रहा हनी कैन का बियर। अगर नॉर्मल इसको आप परचेस करने जाओगे इस बांगी में, तो ऑन एन एवरेज प्राइस जो इसका लोकल प्लेसेस पे आपको मिलेगा वो है 1,500 फ्रैंक, लगभग इंडिया का आप मान के चलो कि 150 Indian rupees की ये बॉटल पड़ी। बट अभी जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं वहाँ पे अगर इसका प्राइस मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 250 Indian rupees पर बॉटल ये भी है। सो गाइज़ ये जो सामने आप देख रहे हो ये रहा ओ बांगी होटल सामने है, और उसी का ये एक रेस्टोरेंट कम बार एरिया है जहाँ पे लोकल्स लोग आके थोड़ा सा हैंग आउट वगैरह करते हैं। आज थोड़ा सा यार छुट्टी था फिर भी काफ़ी कम है, बट वीकेंड पे अगर आप आओगे सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा भीड़ यहाँ पे रहेगा। और होटल्स के मामले में अगर आप देखोगे यहाँ पे कई लोकल होटल्स आपको मिल जाएंगे, booking.com पे भी एक या दो गिने चुने होटल ही आपको नज़र आएंगे जो कि अपडेटेड है। बट कॉस्ट हर जगह अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रीज़न क्योंकि एक्सपैट्स का यहाँ पे जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ पर लोकल रेजिडेंस के मामले में। एक आउटिंग प्लेस है अगर आप आके यहाँ पे पिकनिक वगैरह कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इनका जो पब्लिक बोट एरिया है जहाँ से आप जो आइलैंड है वहाँ पे जा सकते हो। और ये सामने आप देखिए पूरा रिवर बहता हुआ इनका सामने, पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा जोंगो ही है। और एक चीज़ और आपको बतानी थी गाइस, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो केबल आप देख रहे हो ना, ये खंभा, ये अपनी एक इंडियन कंपनी है जगुआर, जिसमें इंडियन लोग हैं, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था खासकर इस पूरे बांगी में जो बोवाली कल जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे उनको ये हाइड्रो पावर प्लांट जो इनका है वहाँ पे
वो लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ये पूरा ये केबल और ये सारा कुछ ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो ये आप देखो, बांगी से जोंगो यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है, वो भी अपने इंडियन की हेल्प के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं तीनों गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तब जाके ये काम हुआ है। तो आपको बोट दिख रही है, ये एक तरह से जो मैंने आपको बताया था ना, जो इनका बोट एरिया है, पब्लिक बोट, आप चाहो तो इसको हायर कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी बोट आपको ये हायर करनी पड़ेगी। और जो इनका आइलैंड है एम्बुकु, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस है, वहाँ पे ये बोट हायर करके आप जा सकते हो। बोट का जो किराया है पर पर्सन, वो भी पूरा हायर करने के बाद रफली 15,000 से 20,000 सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो इनका करेंसी है उसमें चार्ज पड़ेगा। और उसमें आप अपना खाने पीने का सामान, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग बारबेक्यू वगैरह करने जाते हैं, तो उसको यूज़ करके आप वहाँ पे जा सकते हो। बांगी में एक सैलून के अंदर जब आप जाओगे, सर्विसेज जो भी आप यूज़ करने वाले हो उसका नॉर्मल प्राइस क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बट ऑन एन एवरेज आप ये देखिए, हेयर कट, मेंस हेयर कट 10,000 फ्रैंक चार्ज है। यहाँ पे शैम्पू एंड कट 12,000 फ्रैंक, हेयर कट एंड बियर्ड 15,000, सिर्फ बियर्ड अगर आप कराते हो तो 5,000। सिटी के अंदर सेक्टर वाइज में आपको देखने को मिलेगा लाइक PK0, PK1, PK2, PK3 ऑल द वे, जितने नंबरिंग हुई है उस शहर में। सेम चीज़ यहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो कैपिटल बांगी है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो सर्कल था जहाँ पे हम अभी थे वो था PK0, यहाँ से स्टार्ट होके ऑल द वे 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें रेसिडेंशियल एरिया भी है। देखिए ये रोड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोग बोलते हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री सबसे गरीब देश की कैटेगरी में आता है, बट आपको गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है ये देश, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कई ढेर सारे एक्सपर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग पहले से अब के कंडीशन में अगर आप कंपेयर करो ये कंट्री, तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ का सुपर मार्केट जिसका नाम है रेयान, क्योंकि छुट्टी है। बांगी या पूरे के पूरे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री में आप देखोगे कि कहीं भी आपको सिग्नल या साइन बोर्ड रोड पे देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रोड सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया गया है। इतनी वेल एडवांस डेवलप कंट्री नहीं है यार, अभी भी ट्रैफिक पुलिस तो कहीं भी नहीं देखेगा, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों गुना आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो मिलिट्री आर्मी है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी लोकल जब भी आप ट्रैवल करोगे, ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने साथ फ़ोन, लैपटॉप या इस तरह की कोई भी चीज़ें लेके ट्रैवल ना करो। जितने भी बड़े बिजनेसेस यहाँ पे आपको मिलेगा ना यार, वो सब लेबानीज़ का होल्ड है, काफ़ी ज़्यादा दबदबा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, सुपर मार्केट हो और बड़े बड़े वेयर हाउस डिपो हो, वो सब कुछ उन्हीं का है। और ओवरऑल अगर बिजनेस देखा जाए इस पूरे कंट्री में, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको जो मिलता है वो मिलता है जितने भी एनजीओज हैं उन सब से, चाहे वो एशियन कम्युनिटी हो अपनी यानी इंडियंस हो और जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, या बाकी के लोग, उनको एनजीओ से अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिल रहा है। डिप्लोमेटिक एम्बेसीज हैं वो भी काफ़ी कम है, कुछ गिनी चुनी एम्बेसी आपको इस कंट्री में मिल जाएगी जिनका कैपिटल बांगी है, जहाँ पे आप वीज़ा वगैरह की अगर इंक्वायरी करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो। जैसे चाड, क्योंकि नेबरिंग बॉर्डर है, साथ में कैमरून, इन सब कंट्री का आपको एम्बेसी, कॉन्सुलेट, इनके जो मेन सीबीडी एरिया है उसी के आसपास आपको मिल जाएगा। रशियन आर्मी आपको बीच बीच में हर जगह देखने को मिलेगा, बट मोस्टली उनका फेस कवर होता है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, यहाँ पे लोगों ने बताया कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो ऑन द स्पॉट उसे पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, या लोकल लोग उसे दौड़ा के पुलिस के हवाले करते हैं, और फिर पुलिस चाहे तो भाई वो डायरेक्ट मोस्टली इनका जो एक जेल है वो वहाँ पे अंदर डालते हैं, या तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साउथ इंडियन लेडीज़ मैंने देखा यार, जो कई ढेर सारे एनजीओस में काम कर रही हैं, वो कई लोकल प्रोविंसेस में दूर दूर
विलेजेस में जाके वहाँ पे हेल्प कर रही हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें हो, एजुकेशन रिलेटेड सामान हो, वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लोकल कम्युनिटी को, लेडीज़ को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चों को, उन सबको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है अपनी उन लेडीज़ की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं एक मिशनरी की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का सबसे हॉट टूरिस्टिक स्पॉट जो कि है बोआली, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पड़ेगा इनके कैपिटल बांगी से, जो हम ड्राइव करके ऑल द वे 4x4 व्हीकल के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और साइट का जो नाम है वो है साइट टूरिस्टिक दे चूस दे बोआली। बेसिकली ये एक तरह से वाटरफॉल है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, इनका रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आके टिकट वगैरह आपको परचेस करना है, और एंट्री फ़ी जो यहाँ पे लग रही है यार, अगर आप बच्चे हैं तो 1000 फ्रैंक, लोकल्स हैं यानी लोकल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नागरिक तो आपको 2000 फ्रैंक पे करना पड़ेगा, और हम जैसे टूरिस्ट या फॉरेनर के लिए 5000 फ्रैंक एंट्री चार्ज है। हर दिन ओपन होता है। विक्टोरिया फॉल्स हमने ऑलरेडी विजिट किया है, उसके सामने ये सारे वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं गाइस, बट इस कंट्री के लिए सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कैमरे में पानी पड़ रहा है यार, तो यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। फ्रंट व्यू इसका, इस पूरे वाटरफॉल का ये है, काफ़ी तेज पानी का फ्लो है अगर आप इधर से नोटिस करोगे। बाकी इस प्लेस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एक तरह से एक पिकनिक आउटिंग एरिया है। पूरे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के कैपिटल बांगी में कोई खास प्लेसेस तो है नहीं यार चेकआउट करने के लिए ये प्लेस पे, क्योंकि वाटरफॉल है, थोड़ा सा इसमें पिकनिक बच्चों के लिए देखिए प्ले जोन एरिया बनाया गया है, जू भी थोड़ा सा बनाया गया है, उसमें मगरमच्छ, बंदर, सांप ये थोड़ा सा उन्होंने रखा हुआ है। बाकी बारबेक्यू वगैरह आप कर सकते हो, ड्रिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, खाना आपको मिल जाएगा, मोस्टली मिलेगा नॉन वेजिटेरियन। सामने देखिए काफ़ी फैमिली यहाँ पे आके बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं, अपना खुद का खाना लाइए, चिकन, नॉन वेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने से कुक कर सकते हो या तो ऑर्डर कर सकते हो। सो यार, बांगी में जो इनका एयरपोर्ट है वो है बांगी एम्पोको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी सीबीडी जो एरिया है इनका, वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर रफली पड़ेगा। और टैक्सी फेयर जो आपको एयरपोर्ट से इस सीबीडी टाउन के लिए लगेगा, वो इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे तो 300 से 400 इंडियन रुपीज़ में आप टैक्सी हायर करके प्राइवेट यहाँ पे आ सकते हो। वैसे मोटो मोटो भी बाहर खड़े रहेंगे, वो आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वो थोड़ा सा आपको चीपर पड़ने वाला है। बाकी इंडिया से अगर आप डायरेक्ट बांगी आना चाहोगे तो कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, मोस्टली आपको वाया लेना पड़ेगा, मुंबई, दिल्ली, इन सबसे आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी, जैसे रवांडा एयर, केन्या एयरवेज, इथोपियन एयरलाइंस या कतर एयरवेज, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली वो हॉल्ट लेके ही आएंगे वाया किगाली या कैमरून, जो कि इनका पोर्ट है द्वाला, वहाँ पे जो इनका एयरपोर्ट है, वहाँ से टू बांगी आप आ सकते हो। ऑन एन एवरेज फ्लाइट कॉस्ट अगर आप देखोगे इंडिया से बांगी का, वन वे 50,000 से लेके 60,000 INR यानी इंडियन रुपीस वन वे आपको पड़ेगा। थोड़ा सा वेल एडवांस में अगर आप बुकिंग करते हो तो थोड़ा सा आपको चीपर पड़ सकता है। बाकी कई ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप उनसे भी टिकट करा सकते हो। जब भी आप यार बांगी आना चाहोगे, यानी ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऑब्वियसली बात है इंडिया से अगर आप ट्रैवल करोगे तो वीज़ा आपके पास वेल एडवांस होना चाहिए। इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जो एम्बसी है इंडिया में, वहाँ पे न्यू दिल्ली में कैपिटल में अपने आपको मिल जाएगा। फिजिकली वीज़ा आपके पास होना चाहिए इस कंट्री में लैंड होने से पहले, तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। वीज़ा का कॉस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे कोई भी रेल नेटवर्क अभी तक नहीं है। पहले के टाइम पे मैंने सुना था जो ब्राज़ाविल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ से कनेक्ट करने के लिए, गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रेंच टाइम में बनाया गया था, बट वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पे। तो कोई पब्लिक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। मेन बस डिपो जो है इनका इस पूरे बांगी सेंट्रल में, प्रोविंसेस में या इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए, वो डिफरेंट है। एक सेंट्रल मार्च एरिया पड़ता है, वहाँ पे जाके आप उस बस को ले सकते हो। बाकी जैसे मैं ट्रैवल किया हूँ, काफ़ी लॉन्ग रूट की बसेस अगर आपको चाहिए तो जो सेंट्रा अफ्रीका एक्सप्रेस करके बस है, वो मेन टूर ऑपरेटर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री में, जिसको आप यूज़ करके कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकते हो, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया। सेफ़ है, बट थोड़ा सा रोड कंडीशन की वजह से आपको प्रॉब्लम दे सकता है वो। फेयर अगर आप देखो, क्योंकि कंट्री काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स आप ट्रैवल करो, उसके अकॉर्डिंग फेयर भी वो आपसे चार्ज करेंगे। बाकी यार एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि यहाँ पे एटीएम और बैंक काफ़ी लिमिटेड है। इस ऐसा नहीं कि आपको हर जगह बैंक, हर जगह एटीएम मशीन मिल जाएगा, बट मोस्टली आप देखिएगा कि मास्टर वीज़ा कार्ड में आपको, वीज़ा कार्ड इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर कार्ड। कैश इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो करने वाला यह देश है, तो कोशिश करिए आप कैश कैरी करिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा कम कैश आपके पास हो, उतना ज़्यादा आप सेफ।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे आप देखोगे, बाइक, टैक्सी, इनकी जो येलो कलर की है और भी अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगी, और मिनी बस लाइक कुंबी जो ईस्ट अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका में मैंने आपको दिखाया था, वो आप यूज़ कर सकते हो। बाइक में कोई रूल नहीं है आप इनके पास। दो, चार, छः, आठ, जितने बंदे एडजस्ट हो सकते हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा। और इनकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जब भी आप कोई फ़ोटो या वीडियो नेट पे गूगल पे सर्च करना चाहोगे तो आपको सबसे पहला इमेज जो दिखेगा ना यार, कि खासकर जिस बॉर्डर से मैं आया हूँ ना, गरबा बुलाई बॉर्डर से लेके ऑल द वे बांगी तक, टैक्सी की जो हालत होती है ना, मतलब टैक्सी बेचारी रो पड़े ऐसी कंडीशन में लोगों को बैठा के ये लोग लाके लाते हैं। ऊपर गाड़ियों में बैठे होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, सामान रहता है सामान के ऊपर भी बैठाया जाता है। रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की, कई बार लोग नीचे भी गिर जाते हैं, बट क्योंकि ये यार यहाँ पे फ्यूल यानी गैस, पेट्रोल, डीजल इन सब का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उस कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक नोटिस की यहाँ पे वो है कि कर्फ्यू काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसके साथ चाहे आप डे में ट्रैवल करें या नाइट में, आपके पास आपकी आईडी यार ज़रूर होनी चाहिए। कई लोगों को देखा मैंने कि अगर आप आईडी लेकर ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने में वो सबसे आगे हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा खिलाना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी पावर कट की वजह से मोस्टली लोग ग्रो या इन्वर्टर मैंने देखा जो यूज़ कर रहे हैं, बट यार दिक्कत ये है कि मैंने आपको बताया कि जो डीजल और पेट्रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सारा कुछ इम्पोर्ट होके आता है, बट अब सर्वाइवल है तो इस चीज़ को ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हीटिंग ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन बंदों के लिए लाइक मी अपना इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है शेंग फूशेत, यानी जिसका मतलब हुआ 5 types ऑफ क्विजीन, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बिलव्ड इंडियन रेस्टोरेंट, फाइन डाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि पिज़्ज़ा इनका पूरे बांगी में सबसे ज़्यादा सेल किया जाने वाला आइटम है, जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही इसके बाद दूसरा इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जो है सोंगई, एक नाइट लाइफ क्लबिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इस बांगी में। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मोस्टली वेंडर सेलर्स जो भी इस कंट्री में आपको देखेंगे, हर जगह कहीं भी आप जाओ फ्रूट्स आपको इजिली मिल जाएगा, वेजिटेबल मिल जाएगा। कहीं भी अगर आप लोकल होस्ट के पास रह रहे हैं और कुक कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। रूल्स रेगुलेशंस अगर आप देखोगे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ लोग फॉलो करते नजर आएंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। बाकी पूरे देश में एक भी टेम्पल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। चर्च इकलौता है, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री एक कैथेड्रल और चर्च को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो इनका मेन सेंट्रल बांगी है वहाँ पे आपको एक चर्च भी दिखेगा, जो कि इनका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। वहाँ पे मैं होके आया हूँ बट अभी तक फोटो वीडियो हमने नहीं लिया है। गाइस ये था अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, यानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कैपिटल बांगी है, जहां पे ये पूरी की पूरी अपनी इंडियन कम्युनिटी एक साथ इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने आई है इस इंडियन रेस्टोरेंट में। तो उसका एक रियल बांगी स्वरूप आपको देखने को मिला। अपनी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी बड़ी नहीं है यहाँ पे, बट जितनी भी है वो आज आपके सामने है। बाकी थोड़ा बहुत आज गेट टुगेदर है, फूड है, खाना पीना, म्यूजिक, मस्ती, ये सारी चीज़ें।